विपक्ष मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर यौन उत्पीड़न के आरोप ने सियासी तूल पकड़ लिया। चुनाव से पहले हिंदू महिलाओं पर शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों के द्वारा यौन शोषण के आरोप पर बीजेपी ने हंगामा खड़ा कर दिया। बीजेपी बंगाल में खराब कानून व्यवस्था और मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाकर टीएमसी मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर रही है। वहीं टीएमसी ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर माहौल को खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया है। ऐसे में एक बार फिर से बंगाल का सियासी माहौल गर्म हो गया। इस रिपोर्ट को देखें। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली ने महिला की सुरक्षा को लेकर जो संदेश दिया है उससे पूरा देश सकते में है। संदेश खाली में हाल ही के दिनों में महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों पर जबरन अपनी जमीनें हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके बाद तो ममता सरकार के खिलाफ हंगामा खड़ा हो गया। एक महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पर हमलावर है और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। यह हंगामा बुधवार को भी जारी रहा। संदेश खाली हिंसा के विरोध में वहां जा रहे भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पुलिस के साथ हुई झड़प में जख्मी हो गए। दरअसल प्रदर्शन कर रहे पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। घायल होने के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को बशीरहाट मल्टी फैसिलिटी अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले मजूमदार ने आरोप लगाया था कि बंगाल पुलिस उन्हें उत्तर 24 परगना जिले के अशांत संदेश खाली जाने से रोकने के लिए उनके लॉज की घेराबंदी कर रही थी। गांव वाले जो अत्याचार के खिलाफ, सालों के अत्याचार के खिलाफ, जमीन हड़पना, उनके साथ छेड़छाड़ करना, लड़कियों को उठा लेके जाना, इसके खिलाफ गाँव वालों ने आंदोलन किया और उस गाँव वालों को दबाने के लिए, उनको काबू में करने के लिए, पुलिस जब काबू नहीं कर पा रही है उस समय पुलिस के साथ जो गुंडे हैं, वो गुंडे तृणमूल कांग्रेस के गुंडे शेख शाहजहां को जो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जिन्होंने ईडी के ऊपर हमला किया, वही पुलिस गांव वालों को अरेस्ट कर रही है और गुंडे देकर गांव वालों के ऊपर हमला करना, घर जलाना, महिलाओं के साथ बदसुली की करना, ये सारा काम अभी चल रहा है। इसके कारण सारे, आप याद रखिएगा, वहां पे 80-90% जो पॉपुलेशन है। मजूमदार ने प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए दोपहर के बाद संदेश खाली जाने का ऐलान किया था। संदेश खाली के हालात बिगड़ते देख संदेश खाली के दो ब्लॉकों की 16 पंचायत में धारा 144 लागू कर दी गई। सामान्य स्थिति बहाल होने तक उस क्षेत्र में इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन तनाव कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर आरोपों की बौछार कर दी है। इसके साथ ही बीजेपी ने टीएमसी सांसद नुसरत जहां के मामले पर चुप्पी को लेकर हमला किया। ममता बंदोपाध्याय इज नोन फॉर द जेनोसाइड ऑफ हिंदूज। ममता बंदोपाध्याय, यू हैव ट्रेडेड द डिग्निटी ऑफ एससी एसटी फिशरमैन families and farming communities and their women for your political benefit. Why would Mamata Bandyopadhyay allow a door-to-door search by TMC gundas so that young, married Hindu women could be identified and continuously raped? Till now, everybody was wondering who is Sheikh Shahjahan. Now the question is that Mamata Bandyopadhyay has to answer. Mamata Didi ki sarkar maa mati manush wali nahi balki bam band aur balatkariyon ki ban chuki hai aur isiliye aaj TMC Trinamool Congress nahi Taliban mansikta aur culture ban chuka hai. Jis prakar se Shahjahan Sheikh jo ki ek apradhik mansikta ka vyakti hai jo ki ek systematic sexual exploitation racket chala raha tha वो तो खुला घूम रहा है, परंतु दूसरी ओर जो इसके खिलाफ उन महिलाओं के लिए, खास करके वंचित समाज से आने वाली महिलाओं के लिए आवाज उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, चाहे वो सुकांता मजूमदार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, वहां पर जनमानस हो, उनके ऊपर जो बर्बरता अपनाई जा रही है, ये दिखाता है कि आज पश्चिम बंगाल में ना कानून का निजाम सुरक्षित है,
ना महिलाएं सुरक्षित है, ना संविधान सुरक्षित है। वही टीएमसी ने यौन शोषण के इन आरोपों से इनकार तो नहीं किया, लेकिन बीजेपी पर बंगाल के मंत्रियों ने अपनी चुप्पी जरूर तोड़ी है। तृणमूल नेता और पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि बलात्कार का कोई धर्म नहीं होता, महिलाओं के खिलाफ अपराध का कोई धर्म नहीं होता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनता का ध्रुवीकरण करने और समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के एकमात्र इरादे से संदेश खाली पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या आप बंगाल में सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहती हैं? वहीं संदेश खाली में शेख शाहजहां पर लगे यौन शोषण के आरोप पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप रही। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने अपनी राज्य महिला आयोग की टीम वहां भेजी है, उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट सौंपी है। पुलिस ने वहां हिंसा फैलाने के आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और 20 फरवरी तक पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी। अब लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हिंदू महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। वैसे भी बीजेपी ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब मामला महिलाओं से जुड़ा है। ऐसे में ममता बनर्जी इस सियासी बवंडर से कैसे बाहर निकलती, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रघुबीर सिंह जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रघुबीर जी बहुत स्वागत है आपका। सुमित मेहरोत्रा जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सुमित जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। आप तो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत ही बेहतर तरीके से सरकार चल रही है, कह रहे हैं कि कोई जो लॉ एंड ऑर्डर है खराब नहीं है, ये क्या हो रहा है सर, ये किस तरह के आरोप लग रहे हैं? ये तो बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं आपकी सरकार पर। केवल भाजपा का एक ही काम है कि विपक्ष को किसी तरीके से घेरना। आप मुझे बताइए, राजस्थान के अंदर 20 महिलाओं के संग में रेप हो जाता है, उसके ऊपर मीडिया प्रशासन वहां का चुप चुप्पी साथ में बैठ जाता, क्यों? जब वो महिलाएं नहीं, संदेश खाली में क्या हुआ बताइए ना, छोड़ दीजिए कि राजस्थान में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल की बात करिए ना सर। क्यों 20 महिलाओं के संग में रेप हुआ है? आगर मानी 20 महिलाओं तो राजस्थान पे डिबेट रखेंगे तो राजस्थान की भी बात करेंगे ना। महिलाएं वहां की भी है, सुरक्षा वहां की भी, भाजपा की सरकार है। अगर आप केवल पोषण का जवाबदेही कहाँ की है आपकी, बताइए ना, कहाँ की महिलाएं, छोड़ दीजिए आपकी जवाबदेही कहाँ की है। हम मानते हैं वो जिससे भी गलती हुई है उसे पार्टी से भी हटा दिए, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हुई है अभी तक, कार्रवाई क्या हुई है? गंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भाजपा का केवल केवल काम रहे। कार्रवाई क्या हुई? पार्टी से उन्हें हटा दिया जाए, जो स्पष्ट कार्रवाई होगी वो पक्ष का नहीं जाएगा किसी भी सूरत हाल में। जी कब होगी सर? बता दें कि 20 महिलाओं के, 20 महिलाओं के संग में जो रेप हुआ है आंगनबाड़ी की, 20 महिलाओं के संग में रेप हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? मतलब अगर सामने वाला गलती करे तो हम भी करेंगे, तो फिर आप उनसे अलग कैसे हो गए? आप भी वही चीजें कर रहे हैं जो दूसरा कर रहा है, तो फिर आप ये कैसे कहते हैं कि नहीं देखिए जी हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल बेहतर तरीके से सरकार चल रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं है, कोई कुशासन नहीं है, सब सुशासन की बात करते हैं, क्यों कैसे? अगर आप कहते हैं कि हमारे यहाँ पे महिलाएं महफूज है तो कैसे? अगर आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ पे अच्छा है तो कैसे? सवाल तो पूछे जाएंगे ना। सबसे ज्यादा अगर आगजनी की घटना होती है तो पश्चिम बंगाल का नाम सामने आता है, अगर महिलाओं के साथ अगर इस तरह की अभद्रता होती है, यौन शोषण का मामला हो रहा है तो पश्चिम बंगाल सामने आ रहा है, अगर चुनाव होते हैं तो हिंसा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है, तो सर सवाल तो पूछे जाएंगे ना, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है ममता बनर्जी? तो बिल्कुल पूछिए, सवाल पूछने का आपका मीडिया का बिल्कुल अधिकार है, विपक्ष का भी है, पर जब चुनाव आते तभी आपको याद आती है बंगाल में हो रहा है। अरे भाई कुछ अपनी सरकारों में तो देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या होता है, राजस्थान में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, यहाँ के लिए कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई मीडिया सवाल नहीं पूछेगा। क्यों? केवल सवाल एक मीडिया का पूछने का, केवल विपक्ष के नेताओं से रह गया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या ये सोची समझी रणनीति के जरिए ऐसा हो रहा है? उनकी जमीनें हड़पी जा रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, यौन उत्पीड़न उनके साथ हो रहा है, तो क्या ये सोची समझी रणनीति के जरिए ही ऐसे किया जा रहा है? क्या जी आप मुझे बताइए, क्या इसमें हिंदू मुसलमान वाली बातें कहाँ से आ गई? मुझे बताइए, क्या राजस्थान के अंदर जो रेप हुआ वो कौन थी? हिंदू थी ना, आंगनबाड़ी में काम करने वाली,
या आप ये देखते हो कि हिंदू है मुसलमान है, ये आप फर्क क्यों पैदा कर रहे हो, कब तक पैदा करोगे हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान? केवल आपको इसी से वोट क्योंकि 10 साल हो गए, मैं आपके शो पर पहले भी बैठ चुका हूँ नेहा जी, इससे पहले भी आपने भाजपा के नेताओं से पूछा था कि 10 साल हो गए भाजपा के नेता बता नहीं पाए थे कि क्या काम कर रहा है, केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पर इसी के ऊपर डिबेट रहे थे। अरे काम गिनाइए ना, क्या काम कर रहा है 10 साल में, विकास की बात करिए ना, रोजगार की बात करिए, हिंदू मुसलमान की बात मत करिए, मत लड़वाइए। नहीं नहीं बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जब झड़प होती है, जब इस तरह के जिस तरह से देखा जा रहा है कि संदेश खाली में हिंसा के विरोध में, ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जो हैं वो जख्मी हो गए, ये क्या बताता है? ये जो चीजें हो रही है तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है ममता बनर्जी। लॉ एंड ऑर्डर किस बात का मजूमदार? अरे कोई सा भी नेता होगा कहीं पे भी जाएगा, झड़प होती होती है, वो काय के लिए घुसने की कोशिश कर रहे हैं, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, काय के लिए राजनीति कर रहे हैं? उसमें वहां पे अगर किसी महिला के प्रति कुछ गलत हुई है तो उसको शांत करा जाएगा या भड़काया जाएगा? ये चुनावी मुद्दा है, बनाना चाहते हैं भाजपा वाले। रघुवीर जी, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप लोग? आप हिंदू मुस्लिम में क्यों बांट रहे हैं? अगर इस तरह का कोई मामला है तो जांच हो रही है, जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या दंगा भड़काने की कोशिश, आग में घी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है? नेहा जी, मैं आपको बता दूं, मैं खुद 2 दिन से उसी जगह पे हमारे देश प्रदेश के प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार के साथ हूँ। कल हाईकोर्ट ने जब 144 को गलत करार दिया गया तो आज किस तरह इन्होंने फिर से 144 गलत धारा लगा करके वहाँ पर सुकांतोदा को रोकने की कोशिश की। और एक चीज आपको बता दूं, ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी वहाँ आग भड़काने का गंदगी, आपने देखा वहाँ की संदेश खाली की महिलाएं निकल के कह रही हैं कि पिछले 12 सालों के साथ हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, इसमें तो बीजेपी का तो कहीं हाथ नहीं है। फिर मेरे ये तृणमूल के भाई कैसे कह रहे हैं कि ये बीजेपी इसको भड़का रही है? आपका ये शेख शाहजहां को आपकी पुलिस पकड़ नहीं पा रही, आप वहाँ पर जिस तरीके से पुलिस आपकी व्यवहार सुकांतोदा को रोकने के लिए कर रही है, वो इसी तरीके से वो शेख शाहजहां को खोजने में अपनी हिम्मत क्यों नहीं दिखा रही है? जिन्होंने ईडी पे हमला किया, महिलाएं खुद निकल के कह रही हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, कौन देगा? तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की हो गई क्या? तृणमूल सरकार के पास है ना। नेहा जी, महिलाएं तो चाहे बंगाल की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की, सभी लोग सड़कों पे आके सब कुछ करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। क्या मुझे बताइए कि 20 महिलाओं के संग में रेप हुआ है, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं तो फिर वही बात है, लेकिन हाँ दूसरों से गलती हुई है पहले उस पर उंगली उठा देंगे, ये कौन सी बात हुई? ये तो तर्क नहीं है, तो कुतर्क हो गया ना सर, कि यहाँ पे ऐसा हुआ है तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ है, उसको पूछिए आप। कुतर्क नहीं, क्या है बंगाल? मैं देखिए आपको बता दे रहा हूँ, बंगाल में किसी व्यक्ति ने कोई आरोपी है, ठीक है आरोपी है, वो कैटेगरी आरोपी है, पर जांच चल रही, जांच आरोपी तंत्र से होगा उसे पकड़ा जाएगा, बिल्कुल पकड़ा जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी, इससे आप बिल्कुल निश्चित रहें। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा सर, हालात ऐसे हैं कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा इस पूरे मसले पर, आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके चैनल पे बैठ करके सारी जनता से कुछ कहता हूँ आपके माध्यम से कि उस व्यक्ति के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी तो पार्टी का होगा, चाहे वो टीएमसी का होगा, चाहे भाजपा का होगा, चाहे कांग्रेस का होगा, सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर हम बिल्कुल भी लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं करते। रही बात पहले नंबर ऑफ संदेश खाली किसी मीडिया ने इतना हाईलाइट पहले भी इस तरह के मामले सामने आ गए, लेकिन नतीजा वही था कि 3 बात है ना, कुछ होता नहीं है, कुछ निकलता नहीं है। नेहा जी, 20 महिलाओं के संग रेप हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? बाकी प्रशासन, वहाँ का सरकार, राजस्थान का, उसके पर जवाब क्या देंगे? क्वेश्चन डबल इंजन की सरकार है जो आज माननीय मोदी जी हमारे डबल इंजन की सरकार के द्वारा सुमित जी, मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ क्या? मैं राजस्थान की बात नहीं कर रही हूँ ना सर, जब राजस्थान पे डिबेट होगी तो राजस्थान की मैं बात करूंगी, अभी आप पश्चिम बंगाल के संदेश खाड़ी की बात करिए ना मुझसे। महिलाओं का मैं सम्मान
वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ हिंसा क्यों हुई, वहाँ पुलिस के साथ नोकझोंक क्यों हुई, वहाँ हाथापाई तक की नौबत क्यों आ गई, ये नौबत क्यों आ गई कि लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को। बिल्कुल महिलाएं निकल के आ रही है, अपनी आवाज उठा रही है, ये हालात क्यों है पश्चिम बंगाल में? प्रशासन अपने तरीके से निपटेगा ना। आप वहाँ पे दंगा कराने की बात कर रहे हो, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं आप? आपको दिख रहा है कुछ चीज मॉल खराब हो सकता है, आप दंगा भड़काने के लिए नहीं, किसी के कराने से हो जाता है क्या? सरकार किसकी है? अरे आपकी आपकी पुलिस क्या कर रही है? कोई भी आएगा दंगा भड़का के चला जाएगा, कोई भी आएगा महिलाओं के साथ उत्पीड़न करके चला जाएगा। आपकी पुलिस क्या कर रही है? मुख दर्शन करने के लिए है क्या बंगाल पुलिस? मुझे आप बताइए कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ था, शामली के अंदर एक जिंदा लड़की को जला दिया गया था, क्या भाजपा की सरकार ने ये हो रहा है? ये कोई एक दिन या एक दो सालों की घटना नहीं है, विडंबना है ये सर। सुमित जी ये विडंबना है कि जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो कभी आप उत्तर प्रदेश भाग रहे हैं, कभी आप राजस्थान भाग रहे हैं, पश्चिम बंगाल पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। नेहा जी हमारे बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, सरस्वती को पूजा की जाती है, पर उसी धरती पे महिलाओं के प्रशासन अपना काम करेगा। मैं वही पूछ रही हूँ आपसे कि कैसे काम किया जा रहा है सर, ये तो बताएंगे। हेलो जी, आवाज आ रही है? नहीं जी आवाज आ रही है। नहीं जी देखिए प्रशासन अपना काम करता है, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा समय रुकी है कि आरोपी आरोपी की बिल्कुल गिरफ्तारी होगी, चाहे वो किसी जो पार्टी का, हमारी पार्टी का सीधी बिल्कुल चाहे धारा 144 पे लगा दीजिए, इंटरनेट बंदी कर दिया जिससे वहाँ पे और लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। जो हुआ हम समझते हैं कि जहाँ छोटे नेता है क्या प्रशासन या सरकार की तरफ से वहाँ कोई नहीं किया है? अरे सर आरोप लगा है, आरोप में जांच हो, निष्पक्ष तरीके से जांच हो, इसके लिए क्या उनके खिलाफ टीएमसी की तरफ से पार्टी में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए क्या? शाहजहां को अभी तक क्यों नहीं हटाएगी? आपकी क्यों समझ रही कार्रवाई नहीं होगी? इनके क्या कार्रवाई हुई है सर? अभिषेक बनर्जी उसकी सपोर्ट में बात करते हैं, कार्रवाई क्या हुई ये तो बताइए। बात करते हैं इनके नेताओं के बयान आप देख लीजिए, के साथ खड़े हुए होती है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, आपको बिल्कुल इसका रिजल्ट मिलेगा, वहाँ की जनता को बिल्कुल इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ चाहे महिला की कोई हो कहीं की हो उसको न्याय मिलेगा। पर भाजपा को ये भी देखना चाहिए कि आज डबल इंजन सरकार के ऊपर सवाल ये भी है ना सर कि अगर आज ये नौबत आई कि महिलाएं सड़कों पर उतर रही है तो सोचिए कितने टाइम से और कितने वक्त से वो प्रताड़ना झेल रही है, ये उत्पीड़न झेल रही है, ये नौबत क्यों आ रही है टीएमसी की सरकार होने पर? महिला की खेत को हमारी नीति जो है माननीय ममता बनर्जी न्याय दिलाने का काम करेंगी महिलाओं को, आप देख लीजिए निश्चित। पर आप मुझे बताइए राजस्थान में, राजस्थान की कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा, राजस्थान आपके लिए न्याय दिलाने का काम है। मैं आपसे पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की बात करूँ, आप राजस्थान चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। मैं पूछूं लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, तो फिर आप सवाल दूसरी सरकारों पे खड़ी कर देते हैं। जी मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा, 2 करोड़ 28 लाख वोट इस बंगाल की जनता ने दिए हैं, एज अपोजिशन हमारा कर्तव्य बनता है। नहीं ये तो कहा जा रहा है ना सिंह साहब, सुनिए ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाती है और इस तरह के सीन क्रिएट कर देती है जिससे कि ये लगे कि हालात खराब है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन नहीं है, ममता बनर्जी जो है वो मौजूदा सरकार को चला पाने में नाकाम साबित हो रही है, तो ये कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है क्या? सुनिए ना, सुनिए एक सेकंड, पर कोई बात नहीं, केवल एक बंगाल विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछा जाएगा, पूछिए बिल्कुल आप पूछिए, पर जवाब आपको जनता इस बार देगी 2024 के चुनाव। सर जनता तो 2024 में भी जवाब देगी और 2019 में भी जवाब दिया था जब 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी और महज 22 साहब जीत पाए थे आपका गढ़ होते हुए भी। बहरहाल वक्त आने पर जवाब मिलेगा, अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इस पूरे विषय पर क्या कुछ जवाब देती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।